फिरोजाबाद के अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज भी अग्निशमन सप्ताह का शुभारम्भ फायर पुलिस कर्मी जो कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए शहीद हो गए हैं उनकी याद में शोक प्रेरणा सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अग्निशमन सप्ताह के दौरान पहले दिन फायर टेंडर व अन्य वाहनों के साथ शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा व सत्येंद्र पांडे ने हरी झंडी दिखाकर फायर की गाड़ियों को रवाना किया जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को आग बचाव के संबंध में जागरूक करेंगी। इस अवसर पर अग्निशमन विभाग के CFO अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी पूरे सप्ताह करने वाले फायर सेफ्टी अभियान के दौरान घनी आबादी, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री आदि भीड़ वाली जगहों पर फायर द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को आग से बचाव करने हेतु उपाय बताए जाएंगे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता अमरेश राजपूत की रिपोर्ट, SKH न्यूज़। देखिए जनपद फिरोजाबाद में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में आज शुरुआत की गई है जो 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस संपूर्ण प्रदेश में ये कार्यक्रम मुख्यालय के स्तर से चलाया जा रहा है और यहाँ हमारी 4 टीमें बनाई गई हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में जाएंगी और घरेलू क्षेत्रों में भी जाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी कि अग्निशमन से किस तरह बचाव किया जा सकता है, साथ ही साथ उसका डेमो भी देंगी। इसके लिए इन्होंने 4 टीमें भी बनाई हैं। आज जो ये रैली दिखा करके रवाना किया गया है इसका उपयोग उद्देश्य यही है कि इन्हें जागरूक किया जाएगा और ये रैली जो निकाली गई है यहाँ से पूरा शहर को भ्रमण करेगी, उसके बाद ये डबरही जाएगी, डबरही से वापसी आकर राजा ताल जाएगी, वहां से आकर के समाप्त की जाएगी। ये एक सप्ताह का बृहद कार्यक्रम मनाया गया है, इसकी रूपरेखा भी बनाई गई है और ये प्रयास यही किया जा रहा है कि हर तबके तक पहुंच करके अग्निशमन के जो भी उपाय हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके।